Hey, what's up guys, welcome to my YouTube channel IT Creators. So guys, today in this video I will show you 5 amazing smartphone gadget. To ye 5 smartphone gadget ko pehle giveaway ke liye arrange kiya tha, but ye sabhi ka winners mere sath contact nahi karne ke wajah se fir se giveaway ke liye arrange kar raha hu. And is video ka last part mein dikhaunga PUBG game khelne ke liye ek amazing remote controller. To ye sabhi gadget ke bare mein aur bhi details mein janne ke liye, so guys let's start this video. और आई टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इन नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, आगे ऐसे गैजेट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। 5 मिनी एलईडी प्रोजेक्टर। गाइस, आजकल का स्मार्टफोन का जमाने में हम स्मार्टफोन से ही म्यूजिक सुनने से लेके वीडियोस एंड मूवीज देखते हैं, जिसके वजह से हमारा फेवरेट मूवीज को जब मन चाहे तब देख सकते हैं। बट कभी कभी हमारा स्मार्टफोन का छोटा स्क्रीन में अच्छे मूवीज को देख के हमारा दिल नहीं भरता है, तो इसके लिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक मिनी एलईडी प्रोजेक्टर जिसको यूज करके आपका फेवरेट मूवीज को लार्ज स्क्रीन में देख पाओगे। तो इस एलईडी प्रोजेक्टर का साइज आपका स्मार्टफोन का साइज के जैसा होने की वजह से इसको आप आपका पॉकेट में लेके ट्रेवल कर पाओगे। एंड इस प्रोजेक्टर में माइक्रो यूएसबी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो पोर्ट एंड 12 वोल्ट पावर इनपुट पोर्ट दिया गया है, जिसके वजह से इस पॉकेट साइज प्रोजेक्टर को आप पावर बैंक एंड स्मार्टफोन चार्जर से भी चला पाओगे। तो गाइस, ये प्रोजेक्टर में किसी भी फॉर्मेट का वीडियोस या मूवीज को चलाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रो एसडी कार्ड या यूएसबी पिन टाइप का, बिकॉज इस प्रोजेक्टर का प्राइस बहुत ही लो होने की वजह से इसमें वाईफाई एंड स्मार्टफोन कनेक्ट करने का फीचर्स नहीं है। एंड ये 5 गैजेट्स की वेब में जीतने के लिए ये 6 मिनट का वीडियो पूरा वॉच करके देने एक लाइक करके आपका फेवरेट किसी एक गैजेट का नाम कमेंट करना है, दैट्स इट गाइस, देन आप गिवअवे के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 4 एंडोस्कोप रोप कैमरा। गाइस, आजकल के दिनों में फोटोज कैप्चर करने के लिए हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं हमारा स्मार्टफोन का, बिकॉज हमारा स्मार्टफोन एवरी टाइम हमारा साथ ही रहता है। बट हमारा स्मार्टफोन कैमरा को यूज करके नॉर्मल फोटोज कैप्चर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन कैमरा को कोई छोटा प्लेस में या आपका माउथ के अंदर घुसा के फोटोज या वीडियोज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। तो आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप को यूज करके कुछ अमेजिंग तरीके से फोटोज एंड वीडियोज कैप्चर करने के लिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक एक्सटर्नल स्मार्टफोन कैमरा गैजेट, इसमें आपको मिलेगा 2-in-1 पोर्ट यानी माइक्रो यूएसबी एंड नॉर्मल यूएसबी पोर्ट। तो ये यूएसबी पोर्ट को लैपटॉप एंड स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है। एंड ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट को आपका स्मार्टफोन में कनेक्ट करने के साथ साथ स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रखने वाला कैमराफाई ऐप ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगा। देन ओके प्रेस करने के साथ साथ ऐप ओपन होके कैमरा भी ऑन हो जाएगा। तो ये रोप कैमरा यानी एंडोस्कोप कैमरा को यूज करके बहुत सारा हेल्पफुल काम कर पाओगे, जैसे कि किसी भी होल के अंदर ये कैमरा को घुसा के आपका स्मार्टफोन स्क्रीन में देख पाओगे अंदर क्या क्या चीज है। और भी इस रोप कैमरा का सामने में दिया गया है एक एलईडी फ्लैश लाइट, जिसको यूएसबी केबल का इस बटन को प्रेस करके ऑन ऑफ कर पाओगे, जो अंधेरे में भी देखने के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। एंड गाइस, ये रोप कैमरा को गिवअवे में जीत के इस कैमरा को लेके मिस यूज मत करना। 3 Xiaomi स्मार्ट सेंसर लाइट। गाइज, हमारा घर में लाइटिंग या अच्छे ब्राइट लाइटिंग के लिए हम सभी तो काम में लेते हैं ब्रांडेड एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूबलाइट का, जिसके वजह से हमारा रूम में अच्छे ब्राइटनेस लाइटिंग तो होते हैं, बट लोड सेटिंग हो जाने के साथ साथ हमारा रूम एकदम से डार्क हो जाता है। तब हमारा स्मार्टफोन का फ्लैश लाइट जलाने के लिए भी अंधेरे में स्मार्टफोन नहीं ढूंढ पाते है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक स्मार्ट लाइट जो लोड सेटिंग या अंधेरे हो जाने के साथ साथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। सो गाइज, इंट्रोड्यूसिंग Xiaomi स्मार्ट सेंसर एलईडी लाइट। तो इस लाइट के अंदर 3 बैटरी एंड एक स्विच दिया गया है, जो स्विच को यूज करके इस लाइट का ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर पाओगे। एंड गाइस, इस लाइट का फ्रंट में इंफ्रारेड सेंसर होने की वजह से डार्कनेस एंड ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करके ये Xiaomi का स्मार्ट लाइट काम करता है। एंड इस लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कोई स्विच नहीं दिया गया है। 2 ब्लूटूथ रोबोट स्पीकर। आजकल का हाईफाई टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट रोबोट के वजह से हमारा काम इजी से और भी इजीयर हो रहा है। तो नाउडेज में ऐसा हाईटेक एंड फ्यूचरिस्टिक रोबोट का इन्वेंशन हो चुका है जो बिल्कुल हमारी तरह बोल सकता है एंड सोच सकता है। तो इसीलिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक चीप प्राइस वायरलेस रोबोट जिसको आप आपका स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग बेकी 2-in-1 वायरलेस स्पीकर रोबोट। तो ये रोबोट का कुछ ग्रेटेस्ट फीचर्स इजे, जैसे कि इसका सामने की तरफ आपको मिलेगा एक पावर बटन एंड 3 बटन मिलेगा म्यूजिक को पॉज, प्ले, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड साउंड को अप डाउन करने के लिए। और ये रोबोट का पीछे की तरफ मिलेगा एक लाउड स्पीकर जिसमें आप सुपर बेस क्वालिटी म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। और भी ये रोबोट में आपको मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन कॉलिंग फीचर्स एंड स्मार्ट चिप, जिसके वजह से ये रोबोट को ऑपरेट करना बहुत ही इजी है। तो ये रोबोट का लेफ्ट साइड में माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो एंड राइट साइड में माइक्रो यूएसबी यानी स्मार्टफोन चार्जर लगा के ये रोबोट को चार्जिंग कर पाओगे।
तो ये रोबोट स्पीकर के अंदर आपको मिलेगा 5 वोल्ट 2200 एमएच का बैटरी, जिसके वजह से ये रोबोट को पावर बैंक के जैसा काम में ले सकते हो। तो फाइनली ये स्मार्टफोन कंफर्टेबल रोबोट को वायरलेस म्यूजिक प्लेयर एंड पावर बैंक के जैसा काम में ले सकते हो। 1. पबजी रिमोट कंट्रोलर। गाइस, गेम्स एक ऐसा अट्रैक्टिव चीज है जो हम सभी बचपन में टीवी में ब्लॉक का गेम खेलते थे, देन ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल में स्नेक का गेम, देन अभी हमारा स्मार्टफोन में अलग अलग डिजिटल ग्राफिक्स का गेम खेलते हैं। तो हमारे साथ गेम्स का एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होने के वजह से मार्केट में आने वाला किसी भी न्यू गेम्स को हम बहुत बार खेलते हैं। तो जैसे कि आजकल के दिनों में हमारे पास स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन है, जिसमें कंप्यूटर के जैसा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का गेम खेलना पॉसिबल है। तो मार्केट में आने वाला किसी भी न्यू गेम्स को हम स्मार्टफोन से ही खेलते हैं। तो हमारा स्मार्टफोन में किसी भी इंटरेस्टिंग गेम खेलने का टाइम स्मार्टफोन का स्क्रीन बहुत जोर से प्रेस हो जाता है, जिससे फोन का स्क्रीन डैमेज भी होता है। तो इसीलिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक स्मार्टफोन गेमिंग रिमोट, जिसके मदद से किसी भी रेसिंग गेम एंड पबजी गेम को खेल सकते हो। बट गाइज, ये मॉकीवुड गेमिंग रिमोट को यूज करके पबजी गेम को ठीक से खेलना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये पबजी गेमिंग कंफर्टेबल गेमिंग रिमोट को आपका स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके कुछ अमेजिंग तरीके से आपका पबजी गेमिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये फोल्डिंग सिस्टम रिमोट कंट्रोलर को आपका स्मार्टफोन के साथ ऐसे सेटअप करके देन पबजी गेम का सेटिंग में जाके कंट्रोलिंग बटन को जस्ट रिमोट के साथ सेट कर देना है, देन आप बहुत ही इजीली एंड अच्छे तरीके से पबजी गेम को खेल पाओगे। तो ये पबजी गेमिंग रिमोट का प्राइस है ओनली 2000 से 5000 रुपीस के अंदर। सो गाइज, ये अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, एंड मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे डैसिंग लगा, और ये वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करके अपना फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। तो स्क्रीन में मेरा प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके आईटी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड स्क्रीन का ए2 वीडियोस को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड टाटा टेक केयर।